Hello students, so today we are talking about Central University of Haryana and just like क्या सारा प्रोसेस है भैया और एडमिशन का कितनी सारी सीटें वैकेंट है कौन कौन सी जस्ट लाइक भर चुकी है क्या सारा प्रोसेस है सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो वीडियो में जो है एंड तक जरूर बने रहेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनके बहुत सारी क्वारीज आती है, कमेंट आती है कि भैया दिस इज वेरी वर्स्टेड कॉलेज, ये बहुत ही ज्यादा गाँव के अंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कॉलेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हरियाणा राज्य के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर ऑलमोस्ट जैसे रूरल भी एरिया नहीं है और अर्बन भी एरिया नहीं है, वैसा सा एरिया है। तो बच्चों की ये क्वारी है कि भैया ये एक गाँव के अंदर कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे आके वीडियो के कमेंट करके जाते हैं, हजारों कमेंट करते हैं वेरी वर्स्टेड कॉलेज, बेकार कॉलेज, खराब कॉलेज। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप जो है कॉलेज को बिल्कुल देख के परख के जो है एडमिशन लें, क्योंकि आपको वहाँ पे यार 4 साल बीतने वाला है और वही 4 साल आपको जो है एक जस्ट लाइक चांद से आपको सितारे तक पहुँचा सकता है और ये जमीन से आपको तारों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, दस वो गाना भी बजेगा जब आप कंप्लीट करोगे जो क्या चलता है आजकल वायरल सॉन्ग, राइट। तो अभी थोड़ा देखते हैं क्या प्रोसेस है। सो गाइस, दिस इज द एडमिशन पोर्टल, ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो थर्ड मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है यूजी वाले बच्चों के लिए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पहले से। आज हम बात करने वाले सेकंड वाले की, अभी तक वेकेंट वाली लिस्ट नहीं रिलीज की थी इन लोगों ने, अभी अपन वेकेंट वाली देखते हैं आज अगर रिलीज कर दी हो इन लोगों ने तो क्या सारा सीन है। तो गाइस इन लोगों ने अभी भी वेकेंट लिस्ट रिलीज नहीं की है स्पेशली बहुत सारे कोर्सेज की। सीट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग ही शो कर रहा है, सेकेंड काउंसलिंग के बाद अभी तक इन लोगों ने कोई भी डिटेल नहीं दी कि कितनी सीटें वैकेंट रही है कितनी नहीं रही। इसका मेन बड़ा रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन है उसको ये कम करता है, तो यूनिवर्सिटी वालों ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया और डाला इन्हें कुछ। ओके, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड काउंसलिंग भी आ चुकी है एंड मेनी मेनी स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर द थर्ड काउंसलिंग लिस्ट। हालांकि इसको आए हुए काफी सारे दिन हो चुके हैं। सो गाइस यार, जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है थर्ड लिस्ट के अंदर उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देख सकते हो थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, हालांकि जब हमने चेक किया था उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस नहीं था। अब देखते हैं अपन सीएससी में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ तक ये बी जो है ये जनरल पीडब्ल्यूडी का बच्चा, इसके 30 मार्क्स पे हुआ है, जनरल वाला 349 तक गया। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी का तो वो 330 तक गया है, एससी कैटेगरी जो है 258, एसटी कैटेगरी 164 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 333.87 तक गया। अब यार जो भी स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफ़ी लो मार्क्स हैं तो यार वो हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान ले सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे जो है टिल स्पोर्ट राउंड एंड जो भी बहुत सारे कॉलेजों में लास्ट में अगर सीटें वैकेंट रहती है तो हम आपका जस्ट लाइक स्पोर्ट या डायरेक्ट राउंड में एडमिशन आपका करा देते हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर से एनरोल कर सकते हो सीयूटी गाइडेंस प्लान के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया उसका, ठीक है। तो यार ये सारा प्रोसेस है एडमिशन्स का, और भी कोई क्वारी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू।